वर्तमान में जो बिहार में स्थिति बनी है, नई सेवा शर्त जो नियमावली आई है उसके विरोध में आप तमाम लोग अपने अपने ढंग से आंदोलन चला रहे हैं, और माध्यमिक शिक्षक संघ जिस तरीके से सड़कों पर आज संघर्ष कर रहा है यह काबिले तारीफ है। मैं सबसे पहले इसके लिए माध्यमिक शिक्षक संघ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और इसी कड़ी में हम लोगों ने विचार किया आपस में, आनंद कौशल जी मेरे आवास पर आए थे, पूर्व में हम लोगों ने जो संयुक्त मोर्चा बनाया था उस मोर्चा में भी ये बातें आई थी। तो सबसे पहले मोर्चा तो हम ही लोगों ने बनाया, और मोर्चा की जब पहल हुई तो सभी लोग हम लोग इस बात से सहमत थे कि सभी संगठनों को, चाहे वह प्राथमिक के हों या माध्यमिक के हों, सारे संगठन एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। मैं हमेशा से एकता का और समन्वय का पक्षधर रहा हूँ, आज भी हूँ, और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मजबूती के साथ इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। जब नियमावली आई तो नियमावली जारी होने के आधे घंटे के अंदर हमने इसका विरोध शुरू कर दिया, और अगले दिन ही सड़कों पर विरोध शुरू हमने किया था। तो हम लोगों ने तय किया कि आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षक संघ आज इस तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, तो अगर बड़े भाई आगे संघर्ष कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और उनके नेतृत्व में हमें चलने में कहीं कोई गुरेज परहेज नहीं है। और हम लोगों को मिलकर सर से मिलना चाहिए, आनंद कौशल जी से हम लोगों की राय बनी और हम लोग आज आए, और हमने कहा कि सर आप इस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं लड़िए, हम लोग भी आपके साथ हैं। इसमें आप भी अपने स्तर से कहीं लगता है हमारी भूमिका किस रूप में होनी चाहिए, वो भूमिका तय करिए, हम आपके आदेशानुसार भी आप जो भी जिम्मेवारी देंगे उसका निर्वहन करेंगे, और साथ साथ हम खुद अपनी जवाबदेही अपने भी तय करेंगे कि हमें कितना आगे बढ़कर काम करना है। गर्मी की जो छुट्टी है, इस गर्मी की छुट्टी में भी पूरे बिहार में किस प्रकार से शिक्षकों को जागृत किया जाए, किस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा हो, तमाम चीज़ों पर हम लोग विचार करते हुए और मजबूती के साथ लड़ें। आज तक जो कुछ भी मिला है वह लड़ाई के बदौलत मिला है, किसी भी नेता, किसी राजनेता और किसी सेटिंग वेटिंग के बदौलत आपको कुछ नहीं मिला है। हम लोग जब भी सड़क पर संघर्ष किए हैं तो हम लोगों को उपलब्धियाँ मिली हैं। पूर्व में जब हम लोग 14-15 में आंदोलन कर रहे थे तो एक मांग वेतन मान का नारा हमने दिया था, और हम लोगों ने जो कुछ भी है, आज चाइनीज ही सही जो कह दीजिए, आर्टिफिशियल ही सही, और वेतन मान मिला। और आज हमने आदरणीय शत्रुघ्न बाबू से, माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम अपने अध्यक्ष और पदाधिकारी महोदय लोगों से हमने बात किया है, हमने यही आग्रह किया है कि इस बार भी एक ही मांग हो, और एक मांग यही होनी चाहिए, एक मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, और बिना शर्त, इसके लिए किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं हो कि यह 5 फीट 6 इंच का हाइट होगा तभी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो ये कुछ नहीं, सीधे राजकर्मी का दर्जा दीजिए, जिस प्रकार से जब शिक्षा मित्र थे तो नियोजित शिक्षक के रूप में सीधे एडजस्ट किया गया, उसी प्रकार से किया जाए, और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई में आप जहां कहेंगे हमारे शरीर का एक एक बूंद खून आपके लिए हाजिर रहेगा, जी जान से हम लगे हुए रहेंगे, जहां आप हमें खोजिएगा हम 2400 घंटे तैयार हैं। मैं आज शिक्षक हित के आंदोलन के सिवा दूसरा कोई काम करता नहीं हूं, इसमें तन मन धन से पूरे हृदय से मैं लगा हूं, लगा रहूंगा, आपके साथ खड़ा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।